बताया गुणसूत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें बताया कि दो प्रकार हैं। नंबर ए कौन से हैं, कायकीय, कायक गुणसूत्र कहते हैं ना, कायक, ठीक है ना, कायक गुणसूत्र। और नंबर दूसरा आता है लिंग गुणसूत्र। दो प्रकार होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। ये तो बताया जो कायक गुणसूत्र है, ये बताया था मैंने कि कायक गुणसूत्र में मनुष्य में 22 दूनी 44, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी कायक गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम्स कहते हैं ना, ठीक है ना, ऑटो सॉम्स कहते हैं, ऑटो सॉम्स, ठीक है। ये काय गुणसूत्र है 22 जोड़ी या 44, 22 दूनी 44 गुणसूत्र हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इन्हें हमने कहा ये काय गुणसूत्र हैं, ऑटो सॉम्स हैं, 22 जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी। अच्छा, दूसरा लिंग गुणसूत्र है, इनको सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो सेक्स क्रोमोजोम्स हैं, तो इनसे क्या होता है कि जंतु है उसका लिंग निर्धारण होता है, ठीक है, क्रोमोजोम्स लिंग, जंतु का लिंग निर्धारण होता है, निर्धारण, इसलिए इनको हम, ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये एक्स और बाई होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्स और बाई गुणसूत्र होते हैं। और ये 23वीं जोड़ी में होते हैं, किस में होते हैं, 23वीं जोड़ी में एक्स और बाई गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो बताया अब इसके बाद आता है, अब क्या है कि जो एक्स और बाई गुणसूत्र होते हैं, ये बताया ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और एक आता लिंग गुणसूत्र पर जीन्स होते हैं। लिंग जीन्स होते हैं तो उनको सेलन लक्षण बोलते हैं। तो हमने कहा क्रोमोसोम पर क्या है, सेलन लक्षण कौन कौन से हैं, तो एक है एक्स सेलन लक्षण, ठीक है, एक्स सेलन लक्षण। तो एक्स सेलन लक्षण माने एक्स क्रोमोजोम पर जो लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम एक्स सेलन लक्षण कहते हैं। अब एक्स सेलन लक्षण जैसे आपने कहा कि जिसमें आते हैं बर्णांधता है, रतौंधी है, बर्णांधता या रतौंधी बोलते हैं, रतौंधी या वर्णांधता, कोष्ठक में बर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, तो गणांधता है, ये बताया एक्स सेलन लक्षण पर होता है, इसके जो करेक्टर होते हैं। दूसरा एक आता है तो रतौंधी हो गया, दूसरा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी उसी प्रकार का एक रोग है, तो हीमोफीलिया है, रतौंधी है, तो ये माने एक्स सेलन लक्षण कहलाते हैं। और ये एक्स जो एक्स और बाई गुणसूत्र होते हैं तो उनमें एक्स पर ये रतौंधी और हीमोफीलिया के करैक्टर होते हैं, पाए जाते हैं, और इनसे व्यक्ति, ये आनुवंशिक रोग है, कहते हैं ये दोनों आनुवंशिक रोग है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते हैं। और इसका हम देखते हैं क्या है, तो इसकी वंशागत कैसे होती है बताएंगे बाद में आपको, ठीक है। दूसरा है बाई सहलग्न लक्षण, बाई सहलग्न लक्षण। अब बाई सहलग्न लक्षण होते हैं, ये बाई सहलग्न लक्षण ये पुरुषों में होते हैं, जैसे एक्स बताया, एक्स तो पुरुष और स्त्री दोनों में होता है, बाई सहलग्न है केवल पुरुषों में होता है, और केवल पुरुषों में होता है बाई सेलन। और जैसे इसको ट्राइकोसिस, या देखा होगा कुछ व्यक्तियों के कान पर, एक तो गंजापन कहते हैं, सिर का गंजापन, गंजापन है एक, ये लक्षण आता है, ये बाई पर होता है,
और कानों पर बाल उगना, कानों पर बाल उगना ये भी एक क्या है, ये लक्षण है ट्राइकोसिस, या कानों पर बाल उगना, सिर का गंजापन, ये बाई चरण लक्षण है, बाई पर पाया जाता है। देखा होगा पुरुष गंजे होते हैं, स्त्रियां गंजी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि स्त्रियों में गंजेपन का जीन नहीं होता है, पुरुषों में गंजेपन का जीन पाया जाता है। तो कुछ व्यक्ति आपने देखे होंगे उनके बाल उड़ जाते हैं, सिर पर बाल नहीं होते, तो ये गंजापन है, उसका जीन है ये गंजे, ठीक है। तो ये आपके सुन में ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, वो एक्स और बाई दोनों पर होते हैं, तो उनको एक्स बाई, ठीक है ना, एक्स बाई संलग्नता बोल देते हैं। तो अब आता है इसमें जैसे हाँ, मनुष्य में ये इसकी जो रोगों की वैरांतता की वंशागत कैसे होती है, तो अब ये मान लीजिए प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो कोई व्यक्ति है उसमें बताया एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, और एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं या एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और उनमें किसी में एक रोग का कारण है, रोग का कारक है। तो हमने कहा जैसे पुरुष को हमने एक्स वाई से दर्शाते हैं और स्त्री को हम एक्स एक्स से दर्शाते हैं, तो अब इसमें कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता का लक्षण है। अब लक्षण किसमें, अब वैसे दिखाई देता नहीं है। अब मान लो किसी की शादी हो जाती है, और शादी हो जाती है और किसी जो महिला है स्त्री है, तो उस बताया जो एक्स है पुरुष में, अगर यदि एक एक्स पर जीन है वर्णांधता का या रतौंधी का जिसे कहते हैं, तो एक रतौंधी है वर्णांधता है, वर्णांधता कहते हैं कलर को पहचान न पाना, ठीक है, तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो अगर मान लो पुरुष में है, तो पुरुष में ये मान लीजिए हमने सी कह दिया, सी से दर्शाया कलर ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक रोग है, इसको वर्णांधता कहते हैं। कैसा रोग है वर्णांधता रोग, ने कहा आनुवंशिक है, कैसा है आनुवांशिक रोग है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ठीक है। अब हमने कहा आनुवांशिक रोग है, और एक व्यक्ति है उसको वर्णांधता रोग है, और उसकी शादी एक सामान्य स्त्री से हो जाती है, तो हमने कहा ये वर्णांध पुरुष है, वर्णांध पुरुष है, और उसका जो विवाह है वर्णांध पुरुष, और एक विवाह उसका जो है वो सामान्य स्त्री से हो जाता है, सामान्य स्त्री से होता है। तो हमने कहा अब उसकी वंशावली बताइए कि उनकी संतानें कैसी होंगी, ठीक है ना, क्योंकि आनुवांशिक रोग है, तो इसका हम पता करेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले एक्स लिया हमने, ये यहाँ पर इधर से एक्स लिया, तो ये एक्स एक्स सी और एक्स दिया गया, ठीक, यहाँ हमने लिया। अब इस एक्स को पुनः इसको यहाँ लिया हमने, यही एक्स को इस वाले एक्स को लिया यहाँ पर, ठीक, तो ये यहाँ पर एक्स सी और एक्स देखिए दिया गया। अब बाई का लेते हैं, बाई को हमने इस एक्स से करवा दिया, तो एक्स और बाई आ गया, चलिए ये भी हो गया। फिर हम इस बाई को लेते हैं, ये वाले एक्स से करवाते हैं, सबके साथ सबका मैचिंग करेंगे, तो ये भी एक्स बाई हो गया। अब हमने क्या देखा इसमें कि जो देखिए इसमें क्या देखा कि दो जो पुत्रियां हुई हैं इनमें वर्णांधता का जीन है, सी एक्स एक्स सी एक्स बाई दो पुत्रियां हैं, इनमें एक्स एक्स है, ये इनमें वर्णांधता का जीन है। तो हमने कहा एक रेशियो क्या होगा इस रोग का, तो इस रोग को लिखेंगे हम बाहक पुत्री, माने वर्णांधता रोग की बाहक पुत्री कितनी है, तो बाहक पुत्री निकल के आई। देखिए हम अगर 100 मान लें ये कि 100% 25 25 50 25 या 75 25 होगा 100, तो आधे आधे में पुत्रियां हैं,
50%। हमने कहा 50% वाहक पुत्रियां हैं, माने इनमें ये जीन है लेकिन यह रोग नहीं है। जहां आगे इनकी शादी होगी जाकर के उन संतानों में रोग दिखाई देगा। पुत्र, दोनों पुत्र कैसे हैं? सामान्य है, इन्हें कोई पुत्र नहीं, कोई भी रोग नहीं होगा। ये तो अच्छी बात हो गई। आदमी क्या करता है, वो कहता हमारे पुत्र हैं वो सही हो, कोई बीमारी ना हो। ठीक है, आदमी को बीमारी थी, आदमी को बीमारी थी, और ये हमने कहा बीमारी है, कलर ब्लाइंड है, कलर सी से, और ये सामान्य स्त्री है, शादी हो गई। क्योंकि लोग शादी कर देते हैं, थोड़ी बहुत कमी होती है आदमी, कोई बात नहीं, मालूम थोड़ी पड़ रही है, शादी हो जाती है। और शादी के बाद संतान है, उनके बच्चे पैदा हुए, तो उन बच्चों में 50% बाहक पुत्रियां हैं और सामान्य पुत्र 50% है। माने पुत्र तो दोनों बढ़िया हो गए, कोई रोग नहीं होगा, उन्हें पुत्रियां हैं उनको ये रोग होगा। और आगे जाकर के वो क्या, हमने कहा आगे जाके ये रोग दिखाई उनकी संतानों में दिखाई देगा। चलिए अब फिर इसको लेते हैं, हमने कहा अगर कोई पुरुष सामान्य पुरुष है और उसका विवाह दूसरी कंडीशन में अप्लाई करेंगे कि सामान्य पुरुष है और उसका विवाह इस तरह से जो जीन वाले हैं ये एफ सी, इससे विवाह हो जाता है, तो फिर उनकी संतानें कैसी होंगी। हमने कहा था कि इन पुत्रियों की जब बड़ी हो जाएंगी, इनकी जब शादी होगी तो उनके बच्चे कैसे होंगे। चलिए अभी बता रहे हैं कैसे बच्चे होंगे उनके। ठीक, तो हमने कहा देखिए इधर ये एक्स और ये एक्स दोनों मिलेंगे। ठीक, एक्स और एक्स सी, ये आ गया, देखिए एक्स सी और एक्स आ गया। इस एक्स को लिया इस एक्स से, तो ये एक्स और एक्स सामान्य आ रहा। बाई को इससे लिया तो एक्स सी बाई आ गया, देखिए एक्स सी ये और ये बाई आ गया। अच्छा, अगला बाई हमने लिया एक्स बाई आ गया, ये हमारा रेशियो निकल के आ रहा है। देखिए अब इसमें बदल गया, देखिए किसी व्यक्ति की कहते हैं शादी नहीं हो रही थी इसलिए वो बीमारी तो नहीं थी, अब बीमारी, अब लड़की में ये जीन था लड़की में दिखाई नहीं देगा, वो तो बच्चे जब पैदा होंगे तब बाद में दिखाई देगा, पहले थोड़ी दिखाई देगा। तो हमने कहा ये अब कैसे होंगे, हमने कहा देखो 25 25 25, तो 25 पुत्रियां हैं, 25% 25 थोड़ी मैंने कहा, ठीक है 25% पुत्रियां हैं, ये कैसी हैं, वाहक पुत्री कहलाएंगे, वाहक पुत्री 25% होंगी। ठीक है ना, ये 25% हो गया। फिर सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्री है, इन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना, ये भी 25% है, देखिए हमारे ये कह रहा है कोई बीमारी नहीं है। फिर वरांड पुत्र, वरांड माने जिनको ये रोग होगा, ठीक है वरांड पुत्र है 25% इनको रोग होगा, ये बीमार होंगे। अच्छा, और फिर हमने कहा सामान्य पुत्र कितने हैं, तो सामान्य पुत्र होंगे 25%, माने सब ये देखिए निकल क्या। तो इसका अर्थ क्या है, मैंने कहा वरांड का एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को, जैसे हमने पढ़ते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपके साथ 7 रंग होते हैं, बिबिगोर कहते हैं, है? ये तो बिबिगोर कहते हैं जिसमें है बैंगनी है, नीला है, आसमानी, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है, 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं और 7 रंग होते हैं, और 7 रंग तो आप नहीं पहचान सकते, लेकिन जिसकी सामान्य दृष्टि है वो 5 रंग पहचान देता है। अब 5 रंग पहचान लेता है तो वो सामान्य दृष्टि बोली जाती है। अब जो 5 नहीं पहचान पाता वो केवल 3 रंग पहचान सकता है, 3 रंग पहचान सकता है, तो उसको ये रोग होगा।